नीरव और मेहुल चौकसी की कर्ज माफी पर राहुल गांधी मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा इसलिए बीजेपी ने संसद में सच को छुपाया। नमस्कार दोस्तों, आपका जी न्यूज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक RTI में स्वीकार किया कि उसने शीर्ष 50 विलफुल डिफॉल्टर में 68,607 करोड़ की बड़ी रकम बट्टा खाते में डाल दी है। अब कांग्रेस देश के कई बड़े पूंजीपतियों के 68,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बट्टे खाते में डाले जाने को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को सरकार पर निशाना साधते आरोप लगाए कि कुछ सप्ताह पहले संसद में उनके प्रश्न का उत्तर नहीं देकर इस सच को छुपाया गया है। तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था, मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए। वित्त मंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया। अब RBI ने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं, इसलिए संसद में इस सच को छुपाया गया। राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में अपना वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने सरकार से देश के 50 डिफॉल्टरों के नाम पूछे हैं। संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था, मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताएं, जो वित्त मंत्री ने नहीं बताया। अब RBI ने उसका खुलासा कर दिया है और बीजेपी ये संसद में छुपा ले गई है। कांग्रेस का दावा है कि 24 अप्रैल को RTI के जवाब में रिजर्व बैंक ने सनसनी खुलासा किया करते हुए कहा कि 50 सबसे बैंक घोटालों का 68,607 करोड़ रुपये माफ कर दिया गया और इस बात को स्वीकारा भी। इसमें भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी और नीरव मोदी के नाम भी शामिल है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मामले पर देश को जवाब देना चाहिए। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि बैंक लूटो, मेरा पैसा लूटो, विदेश जाओ, लोन माफ कराओ, ट्रैवल एजेंसी का पर्दाफाश हो गया है, भगोड़ा का साथ भगोड़ों का लोन माफ भाजपा सरकार का मूल मंत्र बन गया है। उन्होंने कहा कि 16 मार्च 2020 को संसद में राहुल गांधी ने देश के सबसे बड़े 5 बैंक घोटालों के नाम मोदी सरकार से पूछे। वित्त मंत्री और सरकार के जो उन्होंने षड्यंत्र रखा है चुप्पी साध कर ये नाम जल्द जाहिर करने से इनकार कर दिया है। सुरजेवाला के मुताबिक गत 24 अप्रैल को RTI के जवाब में रिजर्व बैंक ने सनसनीखेज खुलासा करके 50 सबसे बड़े बैंक घोटालों का 68,607 करोड़ रुपए माफ करने की बात स्वीकारी है। इसमें भगोड़ा कारोबारी में ही चौकसी भी शामिल है। तो आपको क्या लगता है कि यह एक प्रकार से भाजपा सरकार ने सीधे सीधे घोटाला किया है, घपला किया है, देश को धोखा दिया है, अंधेरे में रखा है, काले धन को व्हाइट करने के चक्कर में पूरे देश को कंगाल कर दिया है और लोगों की जेब से वो ब्लैक मनी खोजते हैं, गरीबों की जेब से, और इतना बड़ा रकम उसने मोदी सरकार ने एक चुटकी में कैसे माफ कर दिया। ये होता है चोर चोर मुसेरे भाई। अब बीजेपी की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।